लोग? क्या है ये सब? इस तरह तुम स्वप्नी? ओए राधा, तू शादी की जोड़े में क्यों है? राधा, तुम चुप क्यों हो? मैं बताता हूं बाबा, स्वप्निल आप सबसे कुछ कहना चाहता है। स्वप्निल, ये सब क्या है बेटा? क्या बताना चाह रहे तुम हम सबको? चुप क्यों? बताओ। बताता हूं, सब कुछ सच बताता हूं बाबा। मैं आपसे और अपने पूरे परिवार से एक बात कहना चाहता हूं। कैसी सच्चाई जो मैंने आज तक आप लोगों से छुपा के रखी। बाबा, मैं आप लोगों का गुनहगार। एक बार आप लोग मेरा गुनाह जान लीजिए, फिर आप लोग जो सजा देना चाहे दे सकते हैं। मैं ठीक कह रहा हूं अश्लोक? बाबा, ये औरत जो आपके सामने खड़ी और कोई नहीं, मेरी पत्नी है। स्वप्निल, ये क्या बोल रहे हो तुम? अगर ये तुम्हारी पत्नी है तो फिर राधा कौन है? मुझे क्या मालूम बाबा, मैं नहीं जानता ये कौन है। हाँ बाबा, मैं नहीं जानता ये कौन है। यही तो मैं भी जानना चाहता हूं कि आखिरी औरत है कौन। मेरी बीवी तो मर चुकी है, डॉक्टर राधा मर चुकी है। तो फिर दादा, आपने ये सच्चाई सबसे क्यों छिपा के रखी? क्यों ऐसे सबके सामने बिहेव किया कि आप दोनों में बहुत प्यार है? मैं क्या करता सोनालिका, मैं क्या करता? क्योंकि इस औरत ने मेरी बेटी को मारने की मुझे धमकी दे रखी थी। अब बोलो मैं क्या करता सुनालिका, मैं क्या करता? मैं चुप रहा। दिखा दिया ना अपना असली रंग। बाबा, ये झूठ बोल रहा है, सारा सर झूठ बोल रहा है। इसकी बात पर यकीन मत कीजिएगा। मेरे पास सबूत है, अभी यकीन हो जाएगा। उर्वशी, उर्वशी यहां और सबको बताओ, बताओ सबको कि स्वप्निल की असलियत क्या है। बस करो शुभम, बस करो, मुझे माफ कर दो। मैं झूठ नहीं बोल सकती। क्या? नहीं बोल सकती मैं झूठ। क्यों तुम और राधा मुझे झूठ बोलने के लिए मजबूर कर रहे हो? मैं
देखो, मैं तुम्हारी हर ज्यादती सहने के लिए तैयार, तुम जो चाहे सजा दे दो, लेकिन मैं एक मासूम इंसान की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। उर्वशी तुम ये क्या कह रहे हो? देखिए, ये सच है, ये सच है कि मैं स्वप्निल की पत्नी हूँ, लेकिन ये भी सच है कि स्वप्निल ने मुझे कभी धोखा नहीं दिया। सच तो ये है कि मैंने आज तक अपनी जिंदगी में स्वप्निल जैसा नेक और सच्चा इंसान देखा ही नहीं। ये मेरे लिए पति नहीं, भगवान है, भगवान। तो तुम क्या बकवास कर रहे हो? बाबा, ये लड़की सरासर झूठ बोल रही है। ओह, लगता है तुम भी स्वप्निल के साथ मिल गई। श्लोकी, तुम क्या कह रहे हो? देखो, मैं स्वप्निल की पत्नी, से अलग नहीं। अब तुम मुझ पर जितना भी दबाव डालो, जितनी भी धमकी दे दो, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। झूठ तुम बोल रही हो, समझी? झूठ बोल रही हो। बाबा, ये लड़की झूठ बोल रही है। बाबा, जब मुझे पता लगा कि स्वप्निल इससे शादी कर चुका है, तब मैं जाकर इससे मिला, और जब मैंने इसे बताया कि स्वप्निल जबरदस्ती राधा के साथ शादी कर रहा है, तो इसने खुद मेरे प्लान में शामिल होने के लिए हामी भरी, और उसने कहा कि ये दुल्हन का लिबास पहनकर राधा की जगह बैठे। श्लोक, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम मुझे यहाँ नहीं लेकर आए, मैं यहाँ खुद आई। अच्छा, तुम यहाँ खुद आई हो? तो एक बात बताओ ना, दुल्हन के लिबास में क्यों आई हो? क्या हुआ? जवाब नहीं है? मैं जवाब देता, क्योंकि तुम नहीं चाहती थी कि स्वप्निल की शादी राधा के साथ हो। ये सच नहीं है। मैं आप लोगों को असली वजह बताती हूं। स्वप्निल ने अनजाने में याददाश्त खो जाने के बाद मुझसे शादी की, और याददाश्त वापस आने के बाद वो उन सारे लम्हों को बुला चुका था जो उसने मेरे साथ गुजारे थे। उन्हीं लम्हों को याद दिलाने के लिए मैं आज दुल्हन बनकर स्वप्निल के सामने आई। मेरी कोशिश थी कि मैं स्वप्निल को वो सारी बात याद दिला दूं, वो सारे लम्हों को याद दिला दूं जो उसने मेरे साथ गुजारे थे। और देखिए ना, स्वप्निल ने मुझे पहचान लिया। स्वप्निल को सारी बातें याद आ गई। बस, अगर आप लोगों का नाटक खत्म हो गया तो अब कुछ जरूरी बात हो जाए। जब मैं आप लोगों को सच्चाई बताना चाहता था, तो इन लोगों ने प्रिंसेस का हवाला देख मेरा मुंह बांध दिया। हाँ बाबा, ये सरासर झूठ बोल रहा है। इनका मन इतना भी नहीं भरा बाबा, इनका मन इतने पर भी नहीं भरा, बल्कि इस पूरे परिवार के सारे बिजनेस को इन्होंने 120 करोड़ रुपए में बेच दिया। बाबा, ये सब झूठ है। ये आदमी गलत इल्जाम लगा रहा है मुझ पर, अपने आप को बचाने के लिए सारा इल्जाम मुझ पर थोप रहा है। बाबा, इसी ने हमारा सारा बिजनेस, हमारी सारी जायदाद 120 करोड़ रुपए में बेच दिया है। और जानते हैं किसके जरिए? इसने सारी मदद ली हमारे ऑफिस के एम्प्लॉय देशपांडे से। और मैं अभी देशपांडे से आपकी बात कराता ताकि आपको अभी पता लग जाए कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। ये देशपांडे का फोन क्यों नहीं लग रहा? अभी ये मत कहना छोटी,
कि देशपांडे का मोबाइल ऑफ है या सिग्नल वीक है या फिर फोन आउट ऑफ कवरेज एरिया है। क्योंकि तुम्हारी तरह देशपांडे वाली बात भी झूठी है। और सच क्या है मैं बताता हूं पापा। सच ये है 120 करोड़ रुपए इसके अकाउंट में, आप चाहे तो देख लीजिए। मुझे तो पहले से ही शक था जिस दिन ये घर में आई थी। अब मैं ये भी जानती हूं ना तो ये डॉक्टर राधा है और ना ही प्रिंसेस की मां। मैं नहीं मानता। राधा ने इस परिवार को बर्बाद करने की कोशिश की है, धोखा देने की कोशिश की है। मैं नहीं मानता। राधा, मैं किसी की बात पर भरोसा नहीं करूंगा। सिर्फ तुम बताओगे सच क्या है। सच ये है ना कि तुमने हमारे परिवार को धोखा नहीं दिया, है ना? बताओ बाबा को, बताओ कि क्या तुम मेरी पत्नी हो? बताओ बाबा को कि क्या तुम प्रिंसेस की मां हो? बताओ बाबा को कि क्या तुम इस परिवार की सो कॉल्ड आदर्श बहू हो? आपको आपका जवाब मिल गया पापा। पापा, भगवान का लाख लाख शुक्र, भगवान का लाख लाख शुक्र, इसकी सच्चाई कम से कम आपके सामने और परिवार के सामने तो आई। मैं तो परेशान हो गया था पापा। जब मैं एक्सीडेंट के बाद घर लौटा, जब मैंने इसको देखा, इसने मेरी जिंदगी नरक बना रखी थी पापा, नरक बना रखी थी। मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। जब भी मैं आप लोगों को सच बताने आता, ये मुझे धमकाती थी, डराती थी मुझे। मैं क्या करूं पापा? जब भी सोचा आप लोगों को सच्चाई बताऊं, इसने मेरी बच्ची का हवाला मुझे दिया। कहा कि अगर मैं आप लोगों को सच्चाई बताऊंगा तो ये प्रिंसेस को मार डाले। मैं क्या करता, मैं क्या करता पापा, मैं क्या करता? कमजोर पड़ गया मैं, आप लोगों को सच्चाई नहीं बता पाया। और तो और पापा, आप लोगों को याद है, आप लोगों को याद है उस दिन डाइनिंग टेबल पर जब मैं प्रिंसेस के साथ खेल रहा था पापा, कैसे इसने बच्चा मेरे हाथ से छीन लिया। एक्सक्यूज मी, क्या संदीप नेरुलकर यहीं रहते हैं? जी हाँ। हाँ, मैं उसका बाबा हूं। आप क्यों पूछ रहे हैं उसके बारे में? जी, संदीप नेरुलकर का गुड़गांव जाते हुए रास्ते में कार एक्सीडेंट हो गया है। संदीप ठीक तो है ना? एक्सीडेंट में उनके शरीर पे बहुत ज्यादा चोटें आई हैं। हमें बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि उस एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। Checkmate.
आजी नहीं करूंगी, नाराज हूं मैं आपसे, नाराज। हाँ, आपको मेरी जरा भी फिक्र नहीं है। आपने मुझे फोन क्यों नहीं किया? लेकिन हाँ, मैंने भी सोच लिया है, अब मैं आपको अपने आप से दूर कहीं नहीं जाने दूंगी। हाँ, मैं ये भी जानती हूँ कि आप मेरे लिए दिल्ली से कुछ नहीं लाए होंगे, नहीं लाए ना? पर मैं जी ये भी जानती हूँ कि आप सन्नी बॉबी का वीडियो गेम नहीं भूले होंगे, नहीं भूले ना? एक काम करते, जब सन्नी बॉबी आए ना, अभी वो ट्यूशन के लिए गए हैं, घर पे नहीं है जी, जब वो आए ना तो आप उन्हें उनका वीडियो गेम अपने हाथों से दे दीजिएगा, है ना? ठीक रहेगा ना जी? बहुत खुश हो जाएंगे, बहुत इंतजार कर रहे थे आपका। हाँ, और आप है कि फोन भी नहीं करते, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? बोलिए ना जी, मैं इतनी देर से आपसे बात कर रही हूँ, कुछ तो बोलिए। हाँ जी, बोलो ना। ये अच्छी बात नहीं है जी, नाराज तो मैं हूँ आपसे और आप मुझसे नहीं बोल रहे। सुनो जी, उठो ना जी, बोलो ना, कुछ तो बोलो।